हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास प्रश्न उत्तर पार्ट टू होगा इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर का, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देख चुके हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण कह दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया है, उपयोग करके हम किसी बीम मतलब कोई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा आपको बता भी चुका है कि कहाँ और कैसे प्रतिबिंब को प्रकृति बता चुका है, ओके, ठीक है। इसका आंसर भी छिपा हुआ सेकंड पार्ट का इस क्वेश्चन में। आगे देखिए, बोला कि बीम का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए, यानी वस्तु को दर्पण से कहाँ रखना चाहिए ताकि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण पे वो सीधा बनेगा और क्या बना है, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यहाँ तो आपको पहले ही पता चल गया कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रकृति कैसी होगी आपके आंसर अगर आप पढ़े होंगे रे डायग्राम को। सबसे पहले हम अवतल दर्पण को समझते हैं, है ना। अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज क्या है, और रे डायग्राम अगर आप पढ़ चुके हो तो आप देखे होंगे रे डायग्राम में अवतल दर्पण में हमेशा, है ना, हर जगह वस्तु को आप कहीं पर भी रखेंगे वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, ये प्रॉपर्टीज है। केवल और केवल एक ही जगह है जहां अवतल दर्पण में जहां वस्तु को आप रखोगे जिससे आपका प्रतिबिंब उस अवतल दर्पण पर सीधा बनता है ना, वो कहाँ पे है, देखिए रे डायग्राम से हम समझाते हैं फिर आंसर करेंगे। ये हम एक रे डायग्राम बनाते हैं, ये एक अवतल दर्पण लिए हैं, ओके, आप समझ गए होंगे, बाहर की ओर इसको रंग किया रहता है और ये मुख्य फोकस ले लिए हैं, और हम लोग जानते हैं जो मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पर एक केंद्र बनाए हम लोग, यहाँ पे हम ले लिए केंद्र जिसको हम सी से सूचित करते हैं, एक मिनट, और यहाँ पे मैंने लिया फोकस, ये एफ, इसको बोलते हैं ध्रुव पी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव पी। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखेंगे, एप और पी के बीच में, एप और पी के बीच में, तो हमने ऐसा एक वस्तु को रखा यहाँ पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे किधर बनेगा, इधर बनेगा, समझ में आया बात को, ये रे डायग्राम आप किए होंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बनेगा इधर, और वस्तु से बड़ा बनता है। और हम लोग जानते हैं जब प्रतिबिंब जो बनता है कि दर्पण के पीछे, तो कैसा बनता है, हमारा आभासी यानी काल्पनिक बनता है, ठीक है। और वस्तु को यहाँ पे कितने बोला, फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर, ये हमारा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ओके, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इसको बीचों बीच रखना है, इसका मतलब हमारा ये है कि 15 को अगर दो भाग में डिवाइडेड कर देंगे तो 7.5, यानी 7.5 हमारा क्या होगा, यहाँ से ध्रुव से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा वस्तु को, जो एफ और पी के बीच का होगा, तब हमारा उस प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आसान था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलिए आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे ऐसा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये आप थोड़ा सा बता देना। जब बीम को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, देखो ध्यान से सुनो, बोला जब बीम को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो, चूंकि अवतल दर्पण के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर यहाँ है, तो अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में, इसीलिए बीम को 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच, बीच का मतलब क्या है, 0 यहाँ मान लेंगे हम, ये पी का जगह 0 मान लेते हैं, और एफ को मान लेते हैं हम यहाँ पे 15, यहाँ तक की 0 से लेकर यहाँ तक 15, तो बीच का मतलब 7.5 की दूरी पर बनेंगे और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा इसका जो पार्ट है इस क्वेश्चन के आंसर का, वो बोला गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति जब बतानी हो ना, तो आप सीधा लिखना प्रतिबिंब की नेचर है, इसका मतलब है कैसा उसका साइज बता देना, और उसका आभासी बन रहा या काल्पनिक बन रहा है, ठीक है, आभासी या काल्पनिक तो एक ही होता है, या उल्टा बनता है वास्तविक बनता है, यही हमारे प्रकृति के अंदर में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ना वो आभासी और सीधा, देखो प्रथम ये हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब का आकार भी आपको बताना है, प्रतिबिंब आकार मतलब साइज कैसा है, तो वस्तु से देखो ये हमारा वस्तु है, वस्तु से बड़ा बनता है, ये हम जानते हैं आवर्धित बनता है, आप लोग रे डायग्राम में पढ़े होंगे, ओके, आप कोशिश कर रहा है रे डायग्राम को भी बना देना तो और अच्छा, इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आंसर का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, है ना, किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया गया इन स्थितियों में, जो यहाँ पर तीन प्रश्न दिया गया। पहला जो दिया गया बोला किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मतलब है आगे का हेडलाइट, है ना, कौन सा दर्पण हम प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपको मेंशन करना है, ओके। सो हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ना, ये अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है,
अभिसारी का मतलब समझ रहे हो? अभिसारी का मतलब है कि जितनी सारे प्रकाश के किरण के पूंछ होगी वो आपका फैलने नहीं देगी। और अपसारी का मतलब होता है फैल जाना, और अभिसारी का मतलब होता है हमारा कि एक जगह सभी प्रकाश के किरण टकराने के बाद आ जाएगा, तो जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे और दूर तक देख पाएंगे, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या करेंगे कि किसी कार के अग्रदीप पर हम हेडलाइट में जो दर्पण यूज करेंगे वो अवतल दर्पण यूज करेंगे। पता समझ में आया क्यों? तो आप बोल सकते हो इसके आंसर में, जब कार का अग्रदीप अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, ध्यान में रखना है अग्रदीप को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश का समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। हम लोग रे डायग्राम से देखे हैं ना, समांतर हो जाता है जब फोकस पर रखेंगे। इसका मतलब ऐसा है, सोचो कि ये वाला हमारा एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे हमारा ध्रुव है, और इससे अगर पास करने वाला मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसको आप लोग बोलते हो सी, और ये हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एफ। एफ का मतलब मुख्य फोकस, एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस। और जब आप मुख्य फोकस पर रखोगे ना वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है ना एफ पर रखोगे ना, तो प्रतिबिंब अगर एफ पर रखोगे ना वस्तु को ऐसा, तो कहाँ बनता है? इधर बनता है प्रतिबिंब, ये समांतर जाएगी, और समांतर अगर जाएगी तो दूर तक हम देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखने से हमारा समांतर बनती है, तो एफ पर रखने पर। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और अवतल दर्पण का प्रयोग करके हमारा जो प्रकाश की किरण पुंज मिलेगी वो एक क्या करेंगे, लंबा दूरी तक तय कर सकता है। इसीलिए हम रात के अंधकार में काफी दूर तक वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे किसी कार का हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन बोला किसी वाहन का पश, पश मतलब पीछे देखने के लिए, और पीछे देखने के लिए आपको सबका प्रॉपर्टीज याद रखना चाहिए, है ना। उत्तल दर्पण का करेंगे, क्यों उत्तल दर्पण? क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण अगर रखते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा बनता है ना। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और उल्टा अगर बनेगा तो हम वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे, और हम उसका उपयोग किस लिए करते हैं? जब भी हम मोटरसाइकिल में पीछे की देखने के लिए हम इसीलिए देखते हैं कि आगे पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, तो अगर हमको टर्न करना है किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, तो हमें दिक्कत ना हो, ताकि हम देख के पार करें, एक्सीडेंट से हम बचा जा सकता है। अगर हम अवतल दर्पण करें उल्टा दिखाई देगा तो हम उसको तरह से पूरी तरह से देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टीज यह कहता है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए एक रीजन तो यह हुआ। दूसरा, यह वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समझ में आया बात को, छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। अगर भाई छोटा प्रतिबिंब बनेगा ना तो बड़ा जगह को देख पाएंगे, अगर मान लो कि हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो छोटा जगह को देख पाएंगे, तो इसीलिए किया जाता है जिसे ड्राइवर अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ हो, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस भी आए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आप देख लेना। अगला हमारा जो है अवतल, क्या बोला कि सौर भट्टी अपने उत्तल कारण सहित पुष्टि कीजिए। आप जानते होंगे जो अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण का एक प्रॉपर्टीज अभी बताएं कि ये अवसारी होता है। अवसारी का मतलब यह है कि प्रकाश के किरण पुंज को क्या कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। अगर हम क्या करेंगे, सौर भट्टी हम इसीलिए करते हैं ताकि हम वहां पर क्या करते हैं, सूर्य के जो किरण से प्रकाश किरण आ रही है उस जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बदल कर हमें उसका उपयोग किया जा सके। अगर उसको हम एक जगह इकट्ठा कर पाएंगे तो हमारी ऊर्जा का जो इंटेंसिटी होगी, ऊर्जा की मात्रा होगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर फैले जगह अलग अलग जगह पड़ेगी तो ऊर्जा को हम कलेक्ट इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर एक जगह इकट्ठा कर जाएंगे तो उसकी जो तापमान होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सौर भट्टी में, यानी हम लोग जो सोलर होता है सोलर भट्टी में, हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, क्योंकि ये हमारा अवसारी होता है, इसीलिए ताकि किरण के भट्टियों को फोकस एक जगह केंद्रित हो जाके और जहां पर गर्म ज्यादा महसूस हो, है ना, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सौर भट्टी के उत्तल दर्पण के कारण से, पुष्टि करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है ना, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी उत्तल लेंस, यहाँ पे लेंस का जिक्र किया गया प्रश्न में, आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। ये वाला पार्ट हमने आपको दिखाया कि काले कागज से ढका हुआ है, क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा या नहीं पाएगा? अपने उत्तर को प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, यानी प्रैक्टिकली आपको बताने कह रहा है, अपने परीक्षणों को व्याख्या कीजिए, और आपने जो कुछ भी मिला उस प्रैक्टिकल के अंदर में उसको जस्ट और जस्ट लिख देना है, इस प्रश्न में आपको पूछा गया है।
चलिए मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक उत्तल लेंस का लिया गया है और इस उत्तल लेंस में हमने क्या करा है, एक वस्तु को 2F के पीछे में रखा गया है। अगर 2F के पीछे में रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किरण इधर से इधर जाएगी और यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु से दो किरण निकालते हैं, एक किरण जब यहाँ पर जाएगी तो यह पास कर जाएगी F1 से लेकर, और इधर से अगर जाएंगे सेंटर से, अगर हम नियम जानते हैं कि अगर मुख्य केंद्र से अगर जाए तो क्या करता है, सीधा रेखा पार हो जाता है। देखो आपस में आके दोनों यहाँ पे जाके मिल जा रहा है और ये जो मिला है ना, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है और देखो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा आधा भाग को काला कर दिया जाए, कागज से ढक दिया जाए, तब पर भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इसी को आपको व्याख्या करना है। तो आपको उत्तर में लिखेंगे हाँ। क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा हाँ, यह एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है, बनेगा। देखो ये बीम ने लिया है, इसका पूरा प्रतिबिंब बना। उदाहरण के लिए हम यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है, थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब तो बनेगा। ये आपको आंसर में करना है और कोशिश करना, ये रे डायग्राम बना देना, तो ये रे डायग्राम से ही आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। समझदार समझ जाएंगे कि हाँ ये रे डायग्राम से ही आपको आंसर निकल कर आ रहा है। आप अगर इसको अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोशिश करना रे डायग्राम को बनाना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें हम लोग का जो इस वीडियो का लास्ट होगा। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, और जब अभिसारी लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस, और जब दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। यानी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है, वस्तु को रखा गया है क्या 25 सेंटीमीटर दूरी पर, और इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बीम की ऊंचाई भी दिया गया, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी आपको भी का निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो एक जिक्र करना है कि भी निकालना है, बाद में हम साइज निकालेंगे। साइज जब भी बात करें ना तो आप एम निकालना, यानी आवर्धन निकालना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। साइज जब भी बात करें तो आवर्धन निकालना। आवर्धन का मतलब ही होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना वो वस्तु से कितना बड़ा और कितना छोटा बना, और प्रकृति आपको पता चल जाएगा उसका साइन से, पॉजिटिव साइन हो रहा है या नेगेटिव साइन हो रहा है। अगर आप साइन पता चल जाएगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि किधर इसका इमेज बन रहा, तो इसका प्रकृति कैसा होगा। ओके तो ये रे डायग्राम ऐसे बनाओगे, एक हमारा लेंस ले लें उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस में हम यहाँ पे वस्तु को रख लेंगे, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये 10 सेंटीमीटर पर फोकस रखा गया, तो इधर भी देखो 10 सेंटीमीटर फोकस होगा राइट साइड में, और ये 25 सेंटीमीटर पर इधर हमारा क्या होगा, जो क्योंकि दिखाया गया वैल्यू दिया गया बीम की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 25 सेंटीमीटर को दिखा देंगे इधर साइड में। तो इस तरह से रे डायग्राम बना लोगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे हम क्या, जो यहाँ भी निकालेंगे। चलिए हम भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस का लेंस फॉर्मूला का सहायता लेना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला यह कहता है, चलिए हम लिख देता है, लेंस का सूत्र का उपयोग करने पर क्या हमें पता है, हम जानते हैं कि 1/f = 1/v - 1/u होता है, ऑब्वियसली जानते हैं। मुझे निकालना एक्चुअली भी, तो हम कोशिश करेंगे इसको लेफ्ट साइड में रखने के लिए, तो अगर इसको 1/u को अगर इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/v = 1/f + 1/u, है ना। अब आप वैल्यू रख दो, हम देखें क्वेश्चंस में ही है कि एफ का वैल्यू कितना है, 10 दिया गया, तो आप 10 रख लोगे, ठीक है, और ये प्लस है हमारा 1, और यू का वैल्यू -25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। ओके अब इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे, चलो साथ में हम भी को लिखते जाएंगे ताकि अच्छा लगेगा। सो 1/v, और ये हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, और 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा 50। ओके चलिए आप 10 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा 5। ओके और 25 से इसको डिवाइड करेंगे मिलेगा 2, और 2 इंटू इधर माइनस हो जाएगा तो बनेगा हमारा 2। तो मुझे मिला क्या, 1/v = मुझे मिला 3/50। अब हम क्या कर लेंगे, इसको पलट देंगे, है ना, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो मुझे भी का मिल जाएगा। तो मैंने भी को इधर रेसिप्रोकल कर दिया तो इधर राइट साइड में वैल्यू बदल जाएगी, तो ये 50/3 हो जाएगा।
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वी इक्वल टू हमारा क्या करेगा 16.16 या 66 आएगा, तो आप इसको 16.67 लिख सकते हो। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया, वी, यानी वस्तु को कहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बता रहा तो वस्तु को दाईं ओर रखना पड़ेगा, दूसरी ओर, है ना। और कितनी दूरी पर बोलोगे, 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। तो आप ऐसे लिख देना, अतः, है ना, ऐसे लिखना, अतः वस्तु को, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब को, वस्तु तो नहीं, भी का वैल्यू मतलब प्रतिबिंब, बोलना क्या है, बोलना अतः प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर रखना पड़ेगा। ओके, ऐसा इसीलिए दूसरी, क्योंकि पॉजिटिव को दिखा रहा है। अब आइए हमारा जो क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है, बोला गया कि इसकी साइज, जब भी साइज बोलेंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको आवर्धन यानी m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए हम m का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवर्धन की फॉर्मूला हमको जाननी पड़ेगी। और हमारा लेंस के लिए अलग आवर्धन की फॉर्मूला होती है और दर्पण के लिए अलग होती है। हम लोग जानते हैं लेंस में आवर्धन की जो फॉर्मूला होती है वो m से सूचित करते हैं, और m इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये एच डेस बाई एच, या जो एच डेस है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच जो है ना वस्तु की ऊंचाई है, बराबर हमारा भी बाई यू हो जाता है। लेकिन हमारा दर्पण में एच डेस बाई एच बराबर माइनस भी बाई यू हो जाता है। ओके, अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच डेस, है ना, क्या रखोगे एच डेस, तो आप सीधा रख लो यहाँ पे एच डेस, एच डेस रखें, और एच का वैल्यू हमारा जो दिया है 5 दिया गया है, इक्वल टू हमारा क्या है, भी का वैल्यू हमने यहाँ पे देखो 50/3 है ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमारा एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो भी का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लेंगे 50/3 ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो हमारा यू का वैल्यू जो है ना, ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि यू के वैल्यू -25 सेंटीमीटर का है, तो हम लोग यहाँ पे यू के वैल्यू -25 सेंटीमीटर को रखेंगे, तो यहाँ पर -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको आगे आप फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो एच डेस अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3 लिख सकते हैं और गुना -25 लिख सकते हैं। सो इस 25 से इसको 2 को काटेंगे तो 25 × 2 50 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एच डेस होगी वो बाई 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन है ऊपर आ जाएगा, तो बोलोगे 2/3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड हम कर लेते हैं, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो एच डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच डेस इक्वल टू, ये देखो 5 इधर से मल्टीप्लाइड होगी, 5 × -2, और इधर एच डेस इंटू 3, तो 3 इधर लेके आए डायरेक्टली, मैंने कर दिया, जगह थोड़ा सा कम होने के कारण तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। तो अगर आप आगे फर्दर इसको सोल्यूशन करते हो तो मुझे मिलता है -10, 5 × 2 -10/3, तो इसको अगर आपको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -3.3333 ऐसे मिलेगी, और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, तो ये हमारा निकल गया, यानी हमारा छोटा बनेगा, वस्तु से कितना बनेगा छोटा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु की जो हमारा है यहाँ पे ऊंचाई, वो वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर की, और लेकिन हमारा बन क्या रहा है यहाँ पे 3.33, इसका मतलब है वस्तु से छोटा बन रहा है, और ये छोटा बन रहा दूसरा, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो माइनस साइन दिखा रहा है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि हमारा ये वास्तविक है, है ना, क्या है, वास्तविक है, और ये उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा, उल्टा, तभी तो निगेटिव होता है लेंस के अंदर में। तो आप यहाँ पे लिख देना, है ना, कि इसका प्रकृति भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप लिखना क्या लेंस की प्रकृति, है ना, यहाँ लेंस की प्रकृति भी पूछा है, सो आप बताना लेंस की प्रकृति। ओके, तो लिखोगे, एक मिनट थोड़ा सा, प्रकृति, प्रकृति क्या होगा, तो बोलोगे प्रकृति जो होगा ना लेंस की प्रकृति, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब होगा हमारा जो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ सॉरी हम लिख लेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, लेंस की प्रकृति लिख रहे हैं हम, प्रतिबिंब की प्रकृति, चलिए प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है ना, प्रकृति, प्रकृति क्या कह रहा है, कैसा होगा, क्योंकि नेगेटिव दिखा रहा है तो बोलोगे हमारा ये क्या होगा, उल्टा, है ना, क्या बनेगा, उल्टा, और जब भी उल्टा बनता है तो हम क्या बोल, उल्टा तथा, आप बोलोगे वास्तविक,
ठीक है, वास्तविक बनेगा। और यहाँ पे आप बताना प्रतिबिंब की, है ना, प्रतिबिंब की आप बताना प्रतिबिंब की साइज, ओके, यानी आकार भी लिख सकते हो, तो साइज में क्या लिख देना, तो ये हमारा वस्तु से छोटा, है ना, अभी निकाले वस्तु से छोटा, ओके, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज हम लोग इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं।